आई होप स्क्रीन नज़र आ रही होगी। पहले मैं स्टेज वाइज उसको लेकर चल रहा हूँ। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कंस्टेंट है क्या हमारे लिए, लिमिटेशन है क्या, और फिर उसका यूजेज क्या है, उस पर हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर। दिस इज अ क्वेश्चन इनफैक्ट, ये शायद मैंने शेयर किया, अदरवाइज मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। अ कंपनी प्रोड्यूसेस हैंडमेड रॉट आयरन पैशो फर्नीचर। द कंपनी हैज टू प्रोडक्ट्स टेबल एंड चेयर्स। कंपनी टू प्रोडक्ट्स बना रही है, टेबल एंड चेयर। ईच टेबल रिक्वायर 40 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 10 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर। एक यूनिट बनाने के लिए, चेयर्स और टेबल बनाने के लिए 40 kg मटेरियल चाहिए और 10 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड। ईच चेयर रिक्वायर्स 25 kg ऑफ मटेरियल एंड 30 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो टेबल के लिए 40 kg मटेरियल चाहिए और चेयर बनाने के लिए 25 kg, और जो चेयर टेबल बनाने के लिए 10 आवर्स लेबर के लगते हैं और चेयर बनाने के लिए 30 आवर्स टेबल के लगते हैं। वीकली डिमांड इज 900 टेबल्स इन 1500 चेयर्स। सो अगर हमने टेबल्स बनाने हैं और चेयर्स बनाने हैं जी, सो अगर हमने टेबल और चेयर्स बनाने हैं तो हमें पहले कैलकुलेट करने की ज़रूरत है उसके लिए मटेरियल कितना चाहिए। मैं अभी यहाँ पे यूनिट्स ऑफ आउटपुट आपके आसानी के लिए लिख देता हूँ। जो यूनिट्स बनाने हैं हमने, टेबल्स के हमने बनाने हैं जी 900 टेबल्स और 1500 चेयर्स हमने बनानी है। हमें इनको बनाने के लिए मटेरियल भी चाहिए और लेबर भी चाहिए, तो पहले देखते हैं मटेरियल कितना चाहिए। जी आपको बताया गया था मटेरियल, ये हम केजीज में कैलकुलेट कर रहे हैं, मटेरियल इन केजीज आपको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है जी। आपको चेयर बनाने, टेबल बनाने के लिए बताया गया 40 kg मटेरियल रिक्वायर्ड है, 900 यूनिट्स बनाने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 40 kg, 36,000 kg चाहिए। जबकि चेयर्स बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो 1500 चेयर्स आपने बनानी है और मल्टीप्लाई करेंगे, ईच चेयर रिक्वायर्स 25 kg ऑफ मटेरियल। तो हमें जो टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड है वो 73,500 मटेरियल चाहिए। इसी तरह हमें लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है, तो हम जरा कैलकुलेट करते हैं हमें लेबर आवर्स कितने रिक्वायर्ड हैं जी। लेबर आवर्स जो रिक्वायर्ड है वो डेटा में आपको बताए गए हैं कि चेयर टेबल बनाने के लिए 10 आवर्स लगते हैं जबकि चेयर बनाने के लिए 30 आवर्स लगते हैं। तो जी 10 आवर्स और 1500 को मल्टीप्लाई कर लें आप 30 आवर्स के साथ, तो जो आवर्स रिक्वायर्ड है आपको वो, ये टोटल रिक्वायरमेंट है आपके पास, टोटल रिक्वायर्ड रिसोर्स जो है आपका वो ये है। मैंने रिक्वायर्ड मटेरियल नहीं लिखा है इसके सामने, इनफैक्ट चूंकि दोनों ही हैं तो इसीलिए आगे मटेरियल भी आ रहा है, और तो टोटल रिक्वायर्ड रिसोर्स मटेरियल जो है आपका वो ये चाहिए आपको, लेबर जो है आपको 54,000 आवर्स रिक्वायर्ड है। नाउ नेक्स्ट है, ओनली 85,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। तो अवेलेबल रिसोर्स जो है वो आपके पास 85,000 kg है मटेरियल, और 50,000 वाइल द सप्लाई ऑफ लेबर इज टू 50 आवर्स पर वीक, जबकि लेबर आपके पास 50,000 आवर्स अवेलेबल है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, आइडेंटिफाई द बॉटलनेक, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। तो जो रिसोर्स आपके पास कम है एज कम्पेयर टू द रिक्वायरमेंट वो हमारी लिमिटेशन होगा। जैसे यहाँ पे सर्कमस्टांस के अंदर हमें हमें जो मटीरियल रिक्वायर्ड है वो 73,500 kg रिक्वायर्ड है जबकि अवेलेबल 85,000 है। इसका मतलब मटेरियल हिंडरेंस क्रिएट नहीं करेगा, वी कैन प्रोड्यूस। जबकि दूसरी तरफ जो लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो हमें 4,000 शॉर्ट फॉल है, हमारे पास 50,000 अवेलेबल है जबकि 54,000 रिक्वायर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर जो है वो जी लेबर आवर्स है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, हम आइडेंटिफाई किया हमने कि हमारे पास जी हमारे पास कौन सा जो है वो कंस्ट्रेंट है या कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है। लास्ट टाइम इसी तरह का एक आध क्वेश्चन हमने किया था, इसमें हमने रैंकिंग की थी प्रोडक्ट्स की। अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक और चीज़ शेयर करता हूँ, उसकी बुनियाद पे हम इस चीज़ को लेते हैं।
दिस इज अनदर क्वेश्चन जिसके अंदर अब हम अगले स्टेप पे मूव करेंगे। अगर हमें पता है कि हमारी लिमिटेशन क्या है तो हाउ वी प्रोसीड फर्दर, उसकी बुनियाद पे हम डिसीजन क्या करते हैं और ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान कैसे बनाते हैं उस पर बात होने लगी है। कंपनी मेक्स थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेचर्स, रिजर्ड, एक्सट्रीम एंड कन्वेंशनल। तीन प्रोडक्ट्स REC बनाई जा रही हैं। एट प्रेजेंट द कंपनी हैज ओनली 1000 ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल पर वीक। ओनली 1000 आवर्स अवेलेबल हैं और जो द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो, डिमांड पर वीक बताई गई है 80, 20 और 80। ये आपने इनके यूनिट्स बनाने हैं। तीन प्रोडक्ट्स हैं, आर ये आर प्रोडक्ट है, ई प्रोडक्ट है और सी प्रोडक्ट है। इसके हमने यूनिट्स बनाने हैं, तो यूनिट बनाने के लिए कितने कितने बनाने हैं चले यहाँ पे पहले मेंशन कर लेते हैं। यूनिट्स कितने बनाने हैं हमने, जो हमने यूनिट्स बनाने हैं वो 80 हैं, 20 हैं और 18 हैं। नेक्स्ट में आपको बताया गया है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो हमें डायरेक्ट लेबर आवर्स जो पर यूनिट है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें कितने रिक्वायर्ड हैं हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में बताया गया जी 520 और 5 ये आवर्स चाहिए पर यूनिट, तो टोटल 80 यूनिट्स बनाने हैं, पर यूनिट 5 आवर्स लगते हैं, 400 आवर्स चाहिए। दूसरी प्रोडक्ट के लिए 20 आवर्स पर यूनिट लगते हैं, तो 20 × 20 करेंगे तो हमें 400 आवर्स चाहिए। और फिर 80 यूनिट्स बनाने हैं और 5 आवर्स लगते हैं, तो 80 × 5 400 आवर्स। तो तीनों प्रोडक्ट बनाने के लिए 400 आवर्स चाहिए, तो टोटल जो आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो 1200 हैं, जबकि अवेलेबल आवर्स जो हमारे पास है वो 1000 है। तो नंबर वन थिंग इज डिसाइडेड कि यही हमारी कंस्ट्रेंट है, यही हमारी बॉटल नेक है। अगर ये कंस्ट्रेंट या बॉटल नेक है तो वट टू डू नाउ, कैलकुलेट द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन प्लान, वीकली प्रोडक्शन प्लान, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है। तो क्वेश्चन इज दिस कि किस प्रोडक्ट को पहले बनाएं, किसको बाद में बनाएं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज सफिशेंट है तो उसूली तौर पे हमें सारी की सारी चीज़ें बना देनी चाहिए। 80 यूनिट्स आर के भी, 80 यूनिट 20 यूनिट्स ई के भी और सी के भी 80 यूनिट्स बना देने चाहिए। बट अगर हमारे पास लिमिटेशन है तो अब हमने देखना है कि जो अवेलेबल 1000 आवर्स हैं उनका ऐसा इस्तेमाल किया जाए जिससे मैक्सिमम हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन या प्रॉफिट जनरेट हो सके। अभी मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन भी लिख रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने इसको किया भी था कि कॉन्ट्रीब्यूशन हम पर लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे, इफ यू रिमेम्बर। एनीवेज ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें बताया हुआ है 50 पाउंड का है, 100 पाउंड्स का है और 40 पाउंड्स का है। तो अगर अपेरेंटली हम देखें तो शायद हमें ये लग रहा है कि अगर हम सबसे पहले बनाएं तो हमारा रैंकिंग जो है, ये मैं अभी रफली लिख रहा हूँ, हमारी रैंकिंग शायद ये होनी चाहिए कि हमें पहले नंबर पे इसको बनाना चाहिए, दूसरे नंबर पे इसको बनाना चाहिए, तीसरे नंबर पे इसको बनाना चाहिए। ये हमारी रैंकिंग बेस्ड अपॉन द करंट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है। बट सवाल ये है कि ये 50 रुपए जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है आपको, ये एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं। ये दूसरा जो 100 कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है ये 20 घंटे लगा के दे रहा है। तो अगर हम रैंकिंग करना चाहते हैं तो ये रैंकिंग हमारी फिर दुरुस्त नहीं है। ये मैं अभी यहाँ से कॉपी करके इधर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि हम बाद में इसको रिकनसाइल कर सकें कि ये रैंकिंग हमारी शायद दुरुस्त रैंकिंग नहीं है। आर है, ई है और सी प्रोडक्ट है, ये ओल्ड रैंकिंग है। अब मैं न्यू रैंकिंग आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ। हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर चाहिए, और लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास डायरेक्ट लेबर आर है, तो डायरेक्ट लेबर जी जी डायरेक्ट लेबर आर जो पर यूनिट हमारे पास चाहिए वो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, 5 घंटे लगते हैं, 20 घंटे लगते हैं और 5 घंटे लगते हैं। तो अपेरेंटली हमें ये लग रहा था कि जो बी प्रोडक्ट, ई प्रोडक्ट है हमारी मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगी, बिकॉज ये 20 का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन दे रही है। तो मैं ये निकाल रहा हूँ जी कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर लेबर आर,
लिमिटिंग फैक्टर या लेबर आर हमारा तो 50 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें मिलना है, कितने घंटे लगा के, 5 घंटे लगा के, तो 10 रुपये पर आर कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, जबकि यहाँ पे 100 का मिलना है 20 घंटे लगा के। तो ये उसूली तौर पे समझ आ रही है कि सिर्फ 5 रुपये पर आर कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है, जबकि ये 40 मिल रहा है 5 घंटे लगा के, तो ये 8 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है। अगर अब हम रैंकिंग निकालें तो रैंकिंग में पहला नंबर आर प्रोडक्ट का है, जिसका पहले हमें पहला नंबर लग रहा था वो तीसरे नंबर पे है, सी प्रोडक्ट दूसरे नंबर पे है। ये रैंकिंग है, इसको अगर बेस बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन प्लान ऑप्टिमल होगा। कैसे, इसको अब साबित करना है हमने। अगर हम इस प्रोडक्शन प्लान को फॉलो करें तो क्या 400 हमें यूनिट्स डिमांड चाहिए, 80 यूनिट्स आर के पैदा करने हैं। सबसे पहले हमारे पास 1000 आर्स अवेलेबल हैं। अगर हम नंबर वन पे आर के यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो हम कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितनी उसकी डिमांड है 80 यूनिट्स, उसके नतीजे में हमारे जो आर्स कंज्यूम हो जाएंगे, ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स, और ये जो आर्स कंज्यूम होंगे ये वो हैं जी। तो 400 घंटे इस्तेमाल हो जाएंगे। अब हमारे पास बाकी 6 घंटे बचते हैं, 600 घंटे बचते हैं आर के यूनिट्स हम बना रहे हैं टू बी प्रोड्यूस्ड, कितने बनाने चाहिए। ठीक है जी, फिर हमें आर के बाद दूसरा नंबर हमारी रैंकिंग में सी प्रोडक्ट है, तो हमें सी के कितने यूनिट बनाने हैं उस पर बात करेंगे। सी के यूनिट बनाने जो रिक्वायरमेंट है हमें वो है 80 यूनिट्स की, और उसको बनाने के लिए भी 400 घंटे लगते हैं। तो 80 यूनिट और 400 घंटे, अब हमारे टोटल आर जो इस्तेमाल हो गए हैं वो 800 हैं, अवेलेबल आर सिर्फ 200 हैं। जबकि अगर हम तीसरे नंबर वाली प्रोडक्ट ई की बात करें तो ई के हम सारे यूनिट्स नहीं बना सकते, अगर सारे बनाएंगे तो 400 घंटे चाहिए, विच आर नॉट अवेलेबल विद अस, तो हम सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब लिमिटेड कितनी कर सकते हैं, 200 घंटे अवेलेबल हैं, जबकि एक यूनिट बनाने के लिए 20 घंटे लगते हैं, तो हम सिर्फ 10 यूनिट बना सकते हैं। कैसे कैलकुलेट किया मैं आसानी के लिए लिख देता हूँ, 200 घंटे अवेलेबल हैं डिवाइडेड बाय एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे में रिक्वायर्ड है, 20, तो हम सिर्फ 10 यूनिट इसके बना सकते हैं। तो अगर ये प्रोडक्शन प्लान फॉलो करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा। मैं यहाँ पे आपको साबित भी कर देता हूँ, अगर हम आर बेसिकली तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है, आर ई और सी का, और एंड पे एक टोटल का कॉलम बना लें। तो आपको अगर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो पहले सेल्स में लिखेंगे, फिर इसमें से लेस करेंगे आप जी वेरिएबल कॉस्ट, में अभी शॉर्ट ही लिख रहा हूँ आपके लिए, और रिजल्ट जो होगा वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। तो उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस हमने पहले बनाया। अभी हमारे पास सेल प्राइस कोई नहीं बताई हुई, तो हम छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, अब हम नहीं लिखते। हमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसकी बेस पे बात कर लेते हैं जी। हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पता है, कितना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, 50, 100 और 40। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है 50, हम आर के कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 80, 80 × 50 करेंगे, यानी 80 यूनिट्स बना के इसके हमें 4000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलेगा। दूसरे नंबर पे हमने एक यूनिट बनाने हैं सी के, और सी के हम कितने बना सकते हैं, 80, और सी के यूनिट बना के हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन 440 मिलता है। तो 80 × 40 3200 कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलेगा, सॉरी ये सी के, जी। और इसके बाद ई के यूनिट बनने हैं, लेकिन ई के सिर्फ 10 यूनिट बनने हैं, 10 यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। क्वेश्चन के मुताबिक ई से जो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनना है वो 100 पर यूनिट है, अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये 1000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अगर हम टोटल करें तो हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें जनरेट हो रहा है वो
8200 का है, विच विल बी द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन अंडर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। अगर ऐसा प्रूव करना है तो हम फर्ज करते हैं कि अगर हम ये ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान इस तरह ना बनाते तो हमारी रैंकिंग क्या होती। अगर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को प्लान बेस बनाते तो हमारी रैंकिंग आर ई का सबसे पहले यूनिट बनते। इसका मतलब ई की डिमांड पहले पूरी की जाती है, और ई की डिमांड कितनी है हमारे पास 20 यूनिट्स की। सो अगर हम ई के यूनिट बनाएंगे पहले, तो ई के हम कितने यूनिट बना लेंगे 20, जिसके नतीजे में 400 आर इस्तेमाल हो जाएंगे। उसके बाद आर की बारी आनी है, और आर के कितने यूनिट्स बनने हैं आपके पास, जो डिमांड है आर के यूनिट्स बनाने की वो 80 है। 80 यूनिट्स बनाएंगे, उसके भी 400 घंटे लगने हैं। तो आर के यूनिट्स 80 बना के 400 घंटे इस्तेमाल हो गए। अब जो सिर्फ आर्स अवेलेबल हैं वो 200 हैं, उससे आप जितने सी के बन सकते हैं वो बनाएंगे, और सी के 1 यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं। सो अगर आप सी के यूनिट बना सकते हैं तो 200 डिवाइडेड बाय 5 यानी 40 यूनिट आप बना सकते हैं। कि आपने यूनिट्स कैलकुलेट किए हैं अगर जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान हमने बनाया उसको ना फॉलो किया जाए। सो अगर ये वाला प्रोडक्शन प्लान हो तो अगर इस प्रोडक्शन प्लान को मैं आपके लिए यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से इसको भी मल्टीप्लाई करूँ, तो जो आर का कंट्रीब्यूशन मार्जिन सॉरी जो ई का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 100 है जी। ये ई का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये यूनिट्स हैं, और ये सी एम पर यूनिट है, 100 है ई का, और आर का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 50 है, जबकि सी का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 40 है। जी 40। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है। अगर सम कर लेते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 7600 बनता है। सो अगर हमने अदर देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर कोई और प्रोडक्शन प्लान फॉलो किया, ये जो हमने अपेरेंटली ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को देखते हुए ई को पहले सोच लिया, सबसे पहले बनाए, तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैक्सिमाइज नहीं हो रहा, बल्कि हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैक्सिमाइज तब ही हो रहा है जब हम प्रोडक्शन प्लान ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाए बेस्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर पर कंस्ट्रेंट पर यूनिट ऑफ बॉटलनेक। अगर इस बुनियाद पर रैंकिंग करके प्रोडक्शन प्लान बनाए तो दिस विल बी एन ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। अगर कोई इशू है तो जी आप सवाल पूछ सकते हैं। इफ देयर इज एनी इशू अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। किसी और स्टूडेंट को भी वॉइस और वीडियो में इशू है क्या, अहमद सुभानी? ये तो बाकी लोगों की जवाब दे सकते हैं। अगर किसी और ने पॉइंट रेज नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि सब कुछ समझ क्लियर हो रही है, स्क्रीन भी नज़र आ रही है और वॉइस भी क्लियर है। बट एनी वेज इफ देर इज एनी क्वेश्चन ना हो तो आप, ये आखिरी बात थी डिसीजन मेकिंग के अंदर जो कि पेंडिंग थी, तो मैंने आपके सामने डिस्कस की है। आप इससे रिलेटेड, अब डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड इफ देर इज एनी अदर क्वेश्चन इन योर माइंड तो आप सवाल कर सकते हैं। हमने अगले टॉपिक पे बात भी करनी है, आज हो सका अगर आपका सवाल कोई नहीं है तो मैं अगले टॉपिक जो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड है उस पर बात शुरू करूंगा। बट एनी वेज अगर अभी डिसीजन मेकिंग में जो मैंने आपसे शेयर किया इसमें कोई इशू है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, आइदर बाय रेजिंग योर हैंड और आइदर बाय राइटिंग क्वेश्चन। और अगर समझ आ गई है तो कोई उसमें फिर मैंशन कर दे भी समझ आ गई। जी जहाँजेब साहब ने कहा जी समझ आ गई, करीम साहब ने भी और मोहम्मद आफ्ताब ने भी, थैंक यू वेरी मच। सो इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन तो डिसीजन मेकिंग वाले सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं सॉल्व भी किए हैं उसमें भी कोई इशू नहीं है तो दैट्स ऑल फॉर
ऋषि इन वेकिंग टॉपिक, तो हम अगले टॉपिक पे बात फिर करते हैं, बट अगर नहीं है तो दैट्स फाइन जी, ओके। आई होप स्क्रीन नज़र आ रही होगी जी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारा अगला टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। स्क्रीन नज़र आ रही है आई होप, तो थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बिल्ड कर लेते हैं कि क्यों हम इस टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं। जितनी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हवाले से हम बातें कर रहे हैं, इसमें अगर आप लिंक करें तो एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग डिसीजंस। हम मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जिसकी बुनियाद पे मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को सपोर्ट मिल सके। सो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग पर प्रोसेस के अंदर सपोर्ट देने के लिए हम ये जितने भी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। वेरिएबल कॉस्टिंग के हवाले से हमने बात की, कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट की तरफ आए, पर हमने कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट को बेस बनाते हुए वी हैव मेड सर्टेन डिसीजंस। और अभी भी जैसे हमने डिस्कशन की है कि हमारा ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट टू वी आर हैविंग स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेस स्केर्स हैं तो हम किस तरह से अब आगे लेके चल सकते हैं। सो ऑल दैट हमने ये सारी बातें जो हैं ये इसी की लाइट में की हैं, तो इसी चीज़ को बेस बनाते हुए हम आगे लेके चल रहे हैं। एक जो नया टॉपिक है जिसका टाइटल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये अगेन एक टूल है फॉर द डिसीजन मेकिंग टू सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक और टूल जैसे वेरिएबल कॉस्टिंग था, इसी तरह ये एक और टूल है जिसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नाम दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉपिक का, ये क्यों ईजाद हुआ, किस वजह से ये टॉपिक डेवलप हुआ, इस पे हम बात करते हैं और अकॉर्डिंगली पर हम इसको आगे लेके चलते हैं कि ये टॉपिक डेवलप होने की रीज़न क्या है और एंड सो ऑन। सो प्राइमरली अगर हम अंडरस्टैंड करें तो प्रीवियसली वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट टू प्रोड्यूस द गुड्स, तो आप चीज़ों को प्रोड्यूस करने के बाद अल्टीमेटली उन चीज़ों को सेल करना चाहते हैं, ठीक है जी। आप अगर अल्टीमेटली उन चीज़ों को सेल करना चाहते हैं तो सेल करने के लिए यू नीड टू डिटर्मिन द प्राइस, और अगर आप प्राइस डिटर्मिन करना चाहते हैं तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट, बिकॉज प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपने बनानी है तो उसका इन्हिसार उसकी कॉस्ट पे है। तो फर्स्टली यू नीड टू नो द कॉस्ट, कॉस्ट में आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और आप है प्राइस डिटरमिन करते हैं, वट एवर प्राइस यू आर गोइंग टू चार्ज टू द कस्टमर्स, या आप क्या प्राइस कोट करेंगे टू मेक योर प्रोडक्ट मार्केटेड इन द मार्केट। जैसे अभी हमने कोई डिसीजन भी किया है जिसमें था कि एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें स्पेशल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल प्राइस, जिस प्राइस पे हम मार्केट में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उस प्राइस की बजाय हम किसी और प्रोडक्ट प्राइस पे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें ऑर्डर को या नहीं, तो उसका एनालिसिस भी हमने कॉस्ट की बुनियाद पे किया है कि हमने कहा रेलेवेंट कॉस्ट को देखना है विच इज़ कंसर्न विद मेकिंग दैट डिसीजन। अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें फेस नहीं करना पड़े विच वॉज द फिक्स कॉस्ट, तो वो कॉस्ट जो चेंज हो रही है जिसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जा रहा है, सिर्फ वही रेलेवेंट कॉस्ट है, और उस रेलेवेंट कॉस्ट को आपने माइनस किया फ्रॉम योर पर यूनिट सेल प्राइस विच इज़ ऑफर्ड टू यू, तो आपने देखा अगर कोई पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है तो यू आर ऑप्टिंग दैट ऑर्डर, और आप उस कस्टमर को वो चीज़ देने की पोजिशन में, आप उस कस्टमर को वो चीज़ देने पे तैयार हैं, ठीक है। बट ऑन द अदर साइड अगर आप ये देखें कि बार बार बात कॉस्ट की आ रही है, तो ये एक और कॉस्ट के हवाले से बात आने लगी है कि अगर हमारी कॉस्ट दुरुस्त होगी, हमने कॉस्ट एक्यूरेटली एस्टिमेट की होगी,
आइडेंटिफाई की होगी, तो उसकी बुनियाद पर जो हमारा प्राइसिंग डिसीजन होगा वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होगा। इफ़ यू रिमेम्बर इन द बिगिनिंग लेक्चर्स हमने बड़ी डिटेल में जिक्र किया था कि किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के अंदर प्राइमरली देर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पहले हमने जिक्र किया था देर आर सर्टन इंग्रेडिएंट्स टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उसे हमने रॉ मटेरियल का नाम दिया, और फिर हमने उसको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जिसे डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। इसी तरह हमने कहा कि अगर वो रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हो तो वी नीड अ स्किल्ड पर्सन जो उन चीज़ों को कन्वर्ट कर सके इन टू द फिनिश प्रोडक्ट। तो वो जो स्किल्ड वर्कर है उसका टाइम को बेस बनाते हुए हमने देखा कि स्किल्ड लेबर फोर्स जो है उसकी कॉस्ट भी दो हिस्से में डिवाइड होती है, एक है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो हमने जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्लासिफिकेशन की थी, तो इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने बड़ी डिटेल में ये जिक्र किया कि डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए आइडेंटिफाइबल है कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। इसी तरीके से हमने लेबर कॉस्ट पर बी की भी बात की, वो वर्कर जिनका टाइम आइडेंटिफाइबल है ट्रेसेबल है फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट, अगर उनका टाइम ट्रेसेबल है फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट तो वो वर्कर डायरेक्ट वर्कर कहलाए, अगर उसको जो पैसे दिए जा रहे हैं उसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं, एंड वाइस वर्सा अदरवाइज अगर टाइम ट्रेसेबल नहीं है तो उसे हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो जब हमने फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हवाले से बात की तो हमने कहा था कि एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का एलिमेंट रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, दूसरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स का मतलब एक्सपेंसेस है, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मतलब प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का मतलब भी वही है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को कहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री में इनकर हो रहे हैं। तो हमने बात की थी कि अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और अदर देन डायरेक्ट लेबर, ये दोनों के अलावा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो कि इनकर हो रही है फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का नाम देते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इज नॉट द नेम ऑफ वन एक्सपेंस, ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है। इन तमाम एक्सपेंसेस को आप क्लब करके एक पूल के अंदर जिसे फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह रहे हैं उसके अंदर डाल के आप उसकी बुनियाद पर डिसीजन कर रहे हैं कि जी उसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं फॉर द सेक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो सवाल ये है कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को हमने अलहदा भी इसीलिए किया था कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वो कॉस्ट हैं जो एक सिंगल यूनिट के लिए ट्रेसेबल हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर एक सिंगल यूनिट के लिए अगर कन्वीनियंटली इकोनॉमिकली ट्रेसेबल नहीं है तो उसको हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही पार्ट बनाया, बिकॉज फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर टेक्निकली वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जो एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए ट्रेसेबल नहीं है, विच आर नॉट ट्रेसेबल फॉर अ सिंगल यूनिट, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल। वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द गुड्स, तो क्या हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग वन पर्टिकुलर यूनिट हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फेस करना पड़ी है, इट्स वेरी हार्ड। इन लाइक वाइज अगर एक सुपरवाइजर है जो प्रोडक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहा है तो कैन वी आइडेंटिफाई कि एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए उस प्रोडक्शन सुपरवाइजर ने कितना टाइम स्पेंड किया, तो जवाब नहीं में, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कितना टाइम स्पेंड किया है उसने एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए। सो चूंकि ये मुश्किल है आइडेंटिफाई करना उन तमाम एक्सपेंसेस को कि सिंगल यूनिट के लिए कितने एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, तो उन तमाम एक्सपेंसेस को इसीलिए अलहदा किया गया। सो अगर आपने चीज़ें बनानी हैं तो चीज़ें बना के रख तो नहीं छोड़नी, आपने चीज़ें बेचनी भी हैं, अगर आपने चीज़ें बेचनी भी हैं तो आपको चीज़ों की प्राइस बनानी है, चीज़ों की प्राइस बनानी है तो प्राइस के अनुसार कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आए तो कॉस्ट पहले पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट के अंदर किसी भी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, वो तो आइडेंटिफाइबल है ट्रेसेबल है फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट, उसका तो मसला नहीं है। मसला किस चीज़ का है कि वो जो इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, सॉरी जो फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट है उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी शामिल है, उसमें इनडायरेक्ट लेबर भी शामिल है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी शामिल है, उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट फैक्ट्री बिल्डिंग भी शामिल है, उसमें फ्यूल या जनरेटर के को रन करने की कॉस्ट भी शामिल है,
उसमें वो जो सुपरवाइजर प्रोडक्शन सुपरवाइजर है उसकी सैलरी भी शामिल है, एंड नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, वो तमाम एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी करने के लिए इनकर किए जा रहे हैं, वो एक सिंगल यूनिट के लिए आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो जब तक आपको एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट नहीं पता चलती, आप उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके प्राइस भी नहीं बना सकेंगे। तो एक तरीकाकार तो ये है कि आप उसकी अगर पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड या पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पता करना चाहते हैं, तो आप चीज़ें बनाएं और वेट करें कुछ अर्सा, साल 6 महीने, जितने चीज़ें उस पीरियड के अंदर बनी होंगी और जितने एक्सपेंसेस उस पीरियड के अंदर लगे होंगे आप डिवाइड कर दें, तो आपको पता लग सकता है कि पर यूनिट एक्सपेंस कितना है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का। एंड बेस्ड अपॉन दैट उसको बुनियाद बनाते हुए, क्योंकि पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का पता है, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पता है, लेकिन पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड का नहीं पता, तो आप फिर वेट करते हैं, चीज़ें पैदा होती हैं, प्रोडक्शन होती है उतने टाइम पीरियड के लिए, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको गैदर करते हैं और इन तमाम एक्सपेंसेस को फिर जितने यूनिट्स बने होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट आपको पता चलती है ओवरहेड्स की। उस पर यूनिट ओवरहेड की कॉस्ट को आप डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट में ऐड करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट बनती है, फिर आप उसको उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं और प्राइस बनाते हैं। सो माय क्वेश्चन इज दिस कि अगर आप ये काम करते हैं और साल 6 महीने वेट करते हैं चीज़ें बनाने के बाद, और उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं और फिर आप कैलकुलेट करते हैं प्राइस, तो इट मे बी पॉसिबल कि साल 6 महीने के बाद वो चीज़ जो आपने पहले दिन बनाई थी वो पता नहीं आज लोगों की पसंद पर भी पूरा उतरती है या नहीं उतरती। और दूसरी बात, आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगी, आपने जितनी चीज़ें बनानी है वो पड़ी रहनी और बिकनी नहीं है, तो आपके पैसे इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी की वो ब्लॉक हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की, अनटिल दैट यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम साल 6 महीने वेट करते फिर टू आइडेंटिफाई पर यूनिट कॉस्ट, एग्जैक्ट पर यूनिट कॉस्ट। तो हमारे पास अगर एग्जैक्ट पर यूनिट कॉस्ट मौजूद ना ही नहीं है फैक्ट्री ओवरहेड्स की, तो पर अप्रॉक्सीमेशन के तरीकाकार निकलते हैं, और ये जो अप्रॉक्सीमेशन है इसको आपने शायद अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड या एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से ऑलरेडी पढ़ा सुना हुआ है कि जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है वो एस्टिमेट लगाया जाता है बेस्ड अपॉन सम सूटेबल ग्राउंड्स, अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे अभी एक सवाल भी साहब ने पूछा था, सदाम साहब ने शायद, क्या आपको जो ओवरहेड है वो रेट बताया गया पर यूनिट, और जो पर यूनिट ओवरहेड रेट है उसकी बुनियाद पे आप ये बता रहे हैं कि इतने यूनिट्स बनेंगे तो इतना ओवरहेड लगेगा। तो ये दिस इज़ योर एस्टिमेट, दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ दैट अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो आप कैलकुलेट करते हैं। तो ये अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेस्ड अपॉन अ सैंपल पीरियड। अब एक सैंपल पीरियड के दरमियान एक्सपेंसेस का रिलेशनशिप देखते हैं, चेक करते हैं कि किस चीज़ के साथ एक्सपेंसेस कम ज़्यादा हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली जो सूटेबल ड्राइवर है, जो सूटेबल बेस है, उसकी बुनियाद पे आप एक FOH एप्लीकेशन या एस्टिमेटेड रेट बनाते हैं। जो यूजुअल बेसिस आपने सुनी हुई है, जो पढ़ी हुई है आपने प्रीवियस कोर्सेज के अंदर यहाँ पे, उसमें अगर आप इफ़ यू कैन रिकॉल, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स एक सूटेबल बेस हो सकती है। जैसे आप पहले पढ़ा करते थे कि फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ ₹10 पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो यानी अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 लगेंगे, तो 10 ज़रब 10 करेंगे, 100 पर यूनिट आपकी एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है। ये एस्टिमेट जो लगाया जा रहा है, ये जो रेट बनाया जा रहा है एप्लीकेशन रेट, ये बेस्ड अपॉन डायरेक्ट लेबर आवर्स भी बनता है, बेस्ड अपॉन मशीन आवर्स भी बनता है, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स भी बनता है, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सॉरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी बनता है, एंड देर आर मैनी बेसिस। बट सवाल ये है कि बेस कौन सी ऑप्ट की जाए। बेस ऐसी ऑप्ट की जानी चाहिए जिसकी बुनियाद पे जो हम ओवरहेड एस्टिमेट करें वो रियलिटी से नियर हो, नियर टू रियलिटी, असल में ओवरहेड जो बाद में इनकर होंगे वो उससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने जो एस्टिमेशन की है वो गलत बेस पे की है और ओवरहेड गलत एस्टिमेट कर ली है, तो उसका मतलब आपने कॉस्ट भी गलत एस्टिमेट कर ली, कॉस्ट गलत एस्टिमेट की तो आपने उसमें प्रॉफिट ऐड करके जो प्राइस बनाई वो भी गलत बनाई, वो गलत प्राइस की बुनियाद पे हो सकता है आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज बिक ही ना रही हों, या हो सकता है बिक रही हों लेकिन आपको उतना प्रॉफिट अचीव ना हो रहा हो। तो ये जो चीज़ें हैं इनको अकाउंट फॉर करके बेस बनाया जाता है।
सो अगर हम यानी रेलेवेंट बेस का जिक्र करें तो क्या हम ये बात करें कि आप लोगों में से कितने लोग एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई करेंगे, इसका रिलेशन इस चीज़ के साथ है कि ICMA के सामने जो रोड है, किसी भी सेंटर के सामने वहाँ से कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो अगर आप कहेंगे हाँ जी आपके पास होने के अनुसार इस चीज़ पे अगर सामने से कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं तो ये इंतहाई गलत बात है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है, लॉजिकल बेस नहीं है टू एस्टिमेट योर योर रिजल्ट। अगर हम आपके रिजल्ट की प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो शायद उसके अनुसार आपके पढ़ने पे होगा, आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आप कितना टाइम स्टडी करते हैं, आप कितनी कीनली स्टडी करते हैं, कितनी बुक्स पढ़ते हैं, कितना आप प्रैक्टिस करते हैं, इन तमाम चीज़ों से ताल्लुक हो सकता है, लेकिन ऐसी किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं हो सकता है कि रोड पे से कितने लोग गुजर रहे हैं, कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं। तो लाइक वाइज अगर किसी फैक्ट्री के अंदर हमने ओवरहेड्स को एस्टीमेट करना है तो उन ओवरहेड्स को एस्टीमेट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई द रेलेवेंट बेस बेस्ड अपॉन वी कैन प्रिडिक्ट द ओवरहेड्स। तो आमतौर पे जहाँ पे मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है वहाँ पे जो सूटेबल बेस या सूटेबल ग्राउंड ली जाती है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स है, जबकि एज कम्पेयर टू द कंसर्न जहाँ पे लेबर मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट जहाँ पे मैकेनाइज वर्क जहाँ पे मशीनी काम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो सूटेबल बेस या सूटेबल जो ग्राउंड आमतौर पे कंसिडर की जा रही होती है दैट इज़ यूजली मशीन आवर्स, और इन सर्टन केसेस लेबर कॉस्ट को भी बेस लिया जाता है। तो ये जो सूटेबल बेसिस कंसिडर की जाती हैं इनकी बुनियाद पे फिर ओवरहेड एस्टिमेट किया जाता है, इन ओवरहेड्स की एस्टिमेशन की बुनियाद पे। इनफैक्ट जब आप एस्टिमेटेड ओवरहेड रेट या अप्लाइड ओवरहेड रेट निकालते हैं तो जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है एस्टिमेटेड उसको आप डिवाइड करते हैं बेस से, वो एस्टिमेटेड बेस एस्टिमेटेड लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, एस्टिमेटेड मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, तो उसकी बुनियाद पे पर लेबर आवर या पर मशीन आवर जो रेट बनता है उसको बुनियाद बनाते हुए आप फिर फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेट करते हैं। सो अगर ये एस्टीमेट आपका रियलिटी से फार होगा तो उसका मतलब आपका ओवरहेड भी गलत एस्टीमेट हो जाएगा। सो ये एस्टीमेट बनाने के लिए जो बेस्ड ऑफ की जानी चाहिए ये बड़ी क्लोजली रेलेवेंट होनी चाहिए विद एक्सपेंसेस मूवमेंट, फाइन। सो अगर हम लेबर आवर्स को बेस बनाते हैं और या मशीन आवर्स को बेस बनाते हैं और फर्ज करते हैं ये सूटेबल बेस नहीं थी और हमने इसकी बुनियाद पे ओवरहेड एस्टीमेट कर लिए, तो हमारा ओवरहेड अगर गलत एस्टीमेट हुआ तो हमारी कॉस्ट भी गलत एस्टीमेट होगी बोथ वेज। अगर हम ज़्यादा एस्टीमेट कर लेते हैं ओवरहेड पर यूनिट तो हम उसमें पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट, पर यूनिट लेबर कॉस्ट और पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट को जब ऐड करते हैं तो जो टोटल कॉस्ट हमारी बनती है दैट इज़ टोटल जो पर यूनिट कॉस्ट है उसमें आप प्रॉफिट ऐड करते हैं और प्राइस बनाते हैं। अगर कॉस्ट ज़्यादा एस्टीमेट की होगी तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद प्राइस भी ज़्यादा बनेगी। इट मे बी पॉसिबल कि आपने जो प्राइस ज़्यादा बनाई है उस ज़्यादा प्राइस के होते हुए लोग आपकी प्रोडक्ट को ना ख़रीदें बल्कि आपके कंपेटिटर्स जिन्होंने शायद सही कैलकुलेशन की है एस्टिमेशन की है उनकी प्रोडक्ट्स को बाय करें तो शायद आपकी सेल कम हो जाए और आपका प्रॉफिट भी गिर जाए। और अगर हमने कॉस्ट कम एस्टिमेट कर लिया, ओवरहेड हमने गलती से कम एस्टिमेट कर लिया, कम एस्टिमेट करने की सूरत में भी हमें नुकसान है बिकॉज़ हमारी कॉस्ट तो कम होगी, हम प्राइस भी कम बना देंगे, लोग हमारी शायद धड़ाधड़ चीज़ें भी खरीद लें बट डिमांड बढ़ जाने के बावजूद आपको हो सकता है प्रॉफिट टारगेट्स आपके अचीव ना हो बिकॉज आपने कॉस्ट जितनी एस्टिमेट की थी वो गलत थी, वो एक्यूरेट नहीं थी। तो ये जो हमने बेस ऑप्ट की है इस बेस को ऑप्ट करने पे सवाल उठना शुरू हुए क्या किसी एक इदारे के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम के तमाम एक्सपेंसेस जो इनकर हो रहे हैं क्या वाकई ही में वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस के इनकर होने की जनरेट होने की जो बेस है वो वाकई ही में लेबर आवर्स या मशीन आवर्स हैं, इज इट सो? अगर ऐसा है तो दैट इज़ एन आइडियल सोल्यूशन, बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। तमाम के तमाम एक्सपेंसेस लेबर आवर्स के बढ़ने से ज़्यादा हो जाते हैं, कम होने से कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। मशीन आवर्स के बढ़ने से बढ़ जाते हैं, कम होने से कम हो जाते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। तो इसका मतलब अगर ये नहीं होता तो जो फिर हम कॉस्ट निकाल लें किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए ओवरहेड की वो शायद एक्यूरेट नहीं है। अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट भी एक्यूरेट नहीं है और हमारा प्राइसिंग डिसीजन ठीक नहीं है। सो टू मेक एन अप्रोप्रिएट प्राइसिंग डिसीजन
एक नया सिस्टम इमर्ज हुआ, जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहा गया। हम किसी भी प्रोडक्ट को जो कॉस्ट असाइन करेंगे वो लेबर मशीन आवर्स की बजाय हमें देखना पड़ेगा कि वो कॉस्ट उस प्रोडक्ट को असाइन की जाए बेस्ड अपॉन द एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म फॉर मेकिंग दैट प्रोडक्ट। उसी एक्टिविटी की बुनियाद पे हमें उस प्रोडक्ट को कॉस्ट असाइन करनी चाहिए। कैसे, मैं थोड़ा सा मज़ीद एलाबोरेट कर दूँ, फिर हम आगे इसको लेके चलते हैं। जी जी इनफैक्ट जो एक कन्वेंशनल तरीका कार है वो ये है कि जनाब जितनी भी हमारी कॉस्ट इनकर हुई है वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं उन तमाम को चार्ज कर दी जाए। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इस चीज़ के अगेंस्ट है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इस चीज़ का एडवोकेट है कि हर प्रोडक्ट को हर कॉस्ट चार्ज नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर प्रोडक्ट को अगर एक्यूरेट कॉस्ट करना है और एक्यूरेट प्राइसिंग डिसीजन करना है तो उसको सिर्फ वही कॉस्ट असाइन होनी चाहिए, वही कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए जो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने के लिए किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से इनकर हुई है। या आपके सामने एक डायग्राम सा नज़र आ रहा है। प्राइमरली कोई भी काम हम करना चाहते हैं तो हमें ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, हम कोई काम करना चाहते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट मीन हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिसके लिए कॉस्ट इनकर होगी, हम किसी कस्टमर का ऑर्डर पूरा करना चाहते हैं जिसके लिए कॉस्ट इनकर होगी, तो हम जिस काम को करना चाहते हैं जिसको पूरा करना चाहते हैं उसके लिए हमें कॉस्ट इनकर करनी है, उसे हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं। उस काम को पूरा करने के लिए यू नीड टू परफॉर्म सर्टन एक्टिविटीज़, आपको कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। जब वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो आपके रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे, और जब आपके रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे तो उसे ही हम कहते हैं कि हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो इस चीज़ के एडवोकेट है कि ये जो कॉस्ट हमने इनकर की है ये कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट को या उस कस्टमर ऑर्डर को या उस सर्विस को तब चार्ज होनी चाहिए अगर वो इनकर हुई है बेस्ड अपॉन द एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे भी बैठे हैं इस टाइम, अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो फॉर एग्जाम्पल जिस रूम में आप बैठे हैं अगर उसी तरह का एक और रूम एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को उस साइज के दो रूम बनाने को कहा जाए और कहा जाए कि एक रूम आपने बनाना है जिसको आपने फर्निश नहीं करना, उसमें आपने कोई फर्नीचर कोई लाइटिंग कोई एयर कंडीशनर कुछ इस तरह का प्रोवाइड नहीं करना, जबकि दूसरे कमरे के अंदर कहा जाए कि आपने उसको फुली फर्निश करना है, तो क्या दोनों कमरों को बनाने के लिए सारी की सारी एक्टिविटीज़ कॉमन परफॉर्म हुई हैं? तो जवाब नहीं है। कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो दोनों कमरों को बनाने के लिए परफॉर्म की गई हैं, यानी कंस्ट्रक्ट करने के लिए रूम बनाने के लिए जो एक्टिविटी की है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें कुछ तो कॉमन है, इन दोनों कमरों का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा किया गया होगा वो तो कॉमन है, लेकिन जिस कमरे को फर्निश करना है उसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग की गई है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज लगाए गए हैं वो तमाम की तमाम कॉस्ट जो इनकर हो रही है वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से इनकर हो रही है जो रूम ए की बजाय रूम बी में परफॉर्म की जा रही है। तो क्या जो कॉस्ट लग रही है वो जो जो वर्कर उस एसी को इंस्टॉल करने की उस वायरिंग को करने की लाइटें लगाने के पैसे ले रहा है क्या वो दोनों कमरों को वो कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए? तो जवाब नहीं में है। हम हर प्रोडक्ट या हर सर्विस को हर कॉस्ट असाइन नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो कॉस्ट असाइन करेंगे जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से इनकर हुई है, अदरवाइज वो कॉस्ट उस प्रोडक्ट को असाइन नहीं की जाएगी। ये कन्वेंशनल कॉस्टिंग जो हम ट्रेडिशनल लेके चल रहे हैं जिसमें आप एक ओवरहेड रेट बनाते हैं और तमाम प्रोडक्ट पर सर्विसेज तमाम प्रोडक्ट्स को उस रेट की बुनियाद पर ओवरहेड एलोकेट करते हैं, इसके अंदर जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो भी यही है कि अगर आप उसकी बुनियाद पर ओवरहेड एलोकेट कर रहे हैं तो इनफैक्ट उस ओवरहेड के अंदर तमाम के तमाम एक्सपेंसेस आप तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स को किसी एक रेट की बुनियाद पर चार्ज कर रहे हैं, पता नहीं वो कॉस्ट उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की वजह से इनकर भी हुई है कि नहीं जो उस प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी हैं। अगर वो उस प्रोडक्ट को परफॉर्म बनाने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं की गई जो आपके एक्सपेंसेस में शामिल है तो वो उन एक्सपेंसेस में जो शामिल कॉस्ट है वो उस प्रोडक्ट को असाइन भी नहीं होनी चाहिए।
इसी प्रिंसिपल को बेस बनाते हुए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम डेवलप किया गया, ABC जिसे कहा जा रहा है, कि बेस्ड अपॉन द एक्टिविटीज परफॉर्म, उसी एक्टिविटी बेसिस पे ही आप कॉस्टिंग करें जो उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए परफॉर्म की गई हैं, और तभी आप एक्यूरेट कॉस्ट निकाल सकते हैं और एक्यूरेट प्राइसिंग डिसीजंस कर सकते हैं। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप सवाल कर सकते हैं। ये आफ्ताब साहब कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, सॉरी इसका तो कोई मेरे पास हल नहीं है जनाब जी। फरहान इकबाल साहब कह रहे हैं इट इज़ अबाउट टारगेट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जेंटलमैन। अच्छा जी, ये अब मैंने आपका सवाल पढ़ा है, उस टाइम तो मैं 600 दफ़ा का था सवाल पूछ लें, अब ये कल पूछेगा जेंटलमैन, मैं खोल के फिर आपको बताऊंगा 590 पेज पर जो सवाल आप कह रहे हैं कल पूछेगा मेरे से जी। या अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे अलहदा से, बाकी लोगों को शायद कंसर्न नहीं है, आप कहें तो आप व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन की पिक्चर और आपका जो कंसर्न है वो वॉइस नोट पे भेज दीजिएगा, मैं वॉइस नोट पे आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा जी। ठीक है, तो आई होप कि कुछ चीज़ क्लियर हुई होगी। ये स्लाइड्स मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और जो आज कैलकुलेशन वगैरह वाली की है वो भी शेयर कर देता हूँ, तो इनशाला कल इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शेयर करूँगा, तो आई होप कि अगर आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले से प्रिंट करके अपने पास रख लें, बिकॉज मुझे वो बार बार जो क्वेश्चन को रेफ़र करना पड़ता है, वो जो इमेज लेके मैं एक्सेल फाइल के साथ पेश करता हूँ, मुझे ना करना पड़े, और मैं किसी आप में से किसी एक को कह दूँ कि वो क्वेश्चन रीड आउट कर दे मेरे लिए, बाकी लोगों के पास अगर फिजिकल होगा तो वो लोग उसको देखते रहें, और फिर मैं आपके सामने एक्सेल फाइल पे सॉल्व करता रहूँ, इंस्टेड कि मैं बार बार वो क्वेश्चन, जो कि स्क्रीन छोटी है तो कभी मुझे क्वेश्चन दिखाना पड़ता है, कभी सोल्यूशन दिखाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैं ये क्वेश्चन जो है वो भी शेयर कर देता हूँ आपसे, और बाकी चीज़ें भी MCC नो कौन है आप, कोर्स आउटलाइन बेटा ICMA की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करें, कोई जनरल स्पेशल कोर्स आउटलाइन नहीं है, वही सिलेबस तमाम के लिए कॉमन होता है, मैंने वो सिलेबस पढ़ाना है और आपने वो सिलेबस पढ़ना है, और उसी के अंदर से एग्ज़ाम आपका होगा। कोई अभी जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हवाले से डिस्कशन हुई है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप सवाल कर लें, अगर नहीं है तो हम कंक्लूड कर रहे हैं आज के दिन के लिए, इतना ही है, कल हम एक आध प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और जो सिस्टम डेवलप कैसे होता है उस पर बात करेंगे। सदाम साहब आप अपना सवाल करें। जी सर, ये मैंने पूछना था, ये एक्टिविटी कोर्स पूल्स जो बने हुए हैं, जी ये इसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज की कोई डिटरमिन होती है या मतलब अनलिमिटेड भी हो सकती हैं जी ये साइज? जेंटलमैन डिटरमाइंड होती हैं, कैसे होती हैं इस पे चूंकि अभी मैंने बात नहीं की, आप बल्कि बड़ा अच्छा सवाल है आपका, आप इनको जरा स्लाइड्स को गो थ्रू करिएगा, और चैप्टर के बुक के अंदर भी चैप्टर जो आपने पढ़े हैं 1, 2, 3, मेरे ख्याल में 1, 2 के बाद 5, 6 पढ़ा था शायद, उसके साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नेक्स्ट चैप्टर है, उसकी थ्योरी वहाँ से पढ़िएगा, तो कल ठीक है, इंशाल्लाह मजीद आपके सामने एलेबोरेट करेंगे, पूल्स कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों पर डिबेट इंशाल्लाह कल करेंगे आपके सामने। जी ठीक सर, अच्छा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह, जी जिंदगी रही अगर, तो कल इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे इसी टॉपिक पे। मैंने कहा जो क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करूंगा जिसको मैं कल सॉल्व करवाऊंगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम कॉस्ट सिस्टम के हवाले से, उसको काइंडली प्रिंट करके अपने सामने रखिएगा, और सम वन ऑफ यू राजा सदाम साहब भी शायद, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उसको रीड आउट कर दें, और मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए पहले कुछ बातें बताने के बाद उसको आपके सामने सॉल्व करता जाऊंगा, सिर्फ एक्सेल फाइल आपके सामने शो करूंगा ताकि बार बार वो स्क्रीन इधर उधर ना करनी पड़े। थी थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।